तरंग तरंग युवा तरंग बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। हर्ष मनाए मंदिर जाए, उस गुरु जैसे हम अपनाए, गाए नूतन गान सभी हम उसके आगे शीश नवाए, जीवन बिताए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। गुरु के वचनों से आसमान महकता है, पावन जैसे ही जीवन ही खिल उठता है, गुरु के वचनों से आसमान महकता है, पावन जैसे ही जीवन भी खिल उठता है, प्रभु है पालक वो ही जीवन दाता, वो ही सबका गुरुवर, भक्ति प्रेम का सागर, बजते जाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। सभी युवा भाई बहनों को जय सु, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस युवा तरंग में। प्रभु आपको आशीष दें और इन वचनों के द्वारा आपको प्रोत्साहित करें। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, बेटे बेटियों, हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और हम सांसारिक रूप से उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास जरूर करते हैं और कभी कभी हम सफल होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जब हमें लगता है कि कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। ऐसे में हम प्रभु के पास जाते हैं। और हम कैसे प्रभु के पास जाते हैं? कभी कभी आधा अधूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमें याकूब के पत्र की अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, याकूब कहते हैं कि आप अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते हैं। पुराने विधान में हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, वो है सैमुअल की मां हन्ना का उदाहरण, जो प्रभु के मंदिर में प्रभु के सामने एक बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। इतनी गहराई से प्रार्थना कर रही थी कि उसके होंठ हिल रहे थे। हमारी प्रार्थनाओं में गहराई होना जरूरी है और हमारी प्रार्थनाओं में गहराई तब आएगी जब हमारा विश्वास होगा, भरोसा होगा कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है और सुनी जाएगी। अपने जीवन में जब भी आप प्रार्थना करते हैं, गहरी प्रार्थना कीजिए, ध्यानपूर्वक वचन को सुनिए। आप सबों को जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आइए आज हम मनन चिंतन करें यीशु के अंतिम समय। क्रूस पर मरते समय प्रभु यीशु के अंतिम समय पर हम मनन चिंतन कर दें। वचन में कहा है प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्यारे मित्रों, हम पुराने व्यवस्थान में हम जब देखते हैं
इजरायली लोग सांप के दंश से मर रहे थे, तब मूसा ने कांसे के सांप को बनाया और जो कोई भी उस सांप को देखा विश्वास के साथ वह बचाया गया और सांप के दंश से वह बच गया। लेकिन नए व्यवस्थान में आज प्रभु यीशु ने वह स्थान लिया है और सारे पापों के बोझ को अपने शरीर पर ले लिया है। सारे पापों के बोझ को प्रभु यीशु ने ले करके हम सबको पापों से मुक्ति दिलाई है, पापों से छुटकारा दिलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम पाते हैं कि केवल इसी बलिदान द्वारा मुक्ति और उद्धार संभव है। पवित्र वचन हमें बताता है केवल इसी बलिदान के द्वारा मुक्ति संभव है, पापों से मुक्ति संभव है, और जो कोई भी इस पर विश्वास करेगा मुक्ति प्राप्त करेगा। और रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 प्रसंग 9 में वचन कहता है, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ईश्वर ने मृतकों से उन्हें जिलाया या विश्वास करेंगे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। और गिस्मनी बारिश में प्यारे भाई और बहनों हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अत्यंत दुखित दुख और वेदना में थे और उनके शिष्य भी उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, वे दुखित थे और प्राण संकट की पीड़ा के सोचते हुए प्रभु यीशु का पसीना रक्त की बूंदों में तब्दील हो जाता है। उनके अपने भी उन्हें त्याग देते हैं, उन्हें मानसिक पीड़ा होती है। और प्यारे भाई और बहनों यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद भी अपने पुस्तक में कहते हैं, यीशु में कोई स्वार्थ ना था फिर भी उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। यह सत्य है उनके निस्वार्थ भाव से बहुत से आत्माओं को तृप्ति और पूर्णता तक पहुंचाया गया। वह तृप्ति और पूर्णता केवल अनंत जीवन है। आज सारे संसार में मुक्ति का, चंगाई का चिन्ह एकमात्र क्रूस है, प्रभु यीशु का क्रूस। और जब जब हम उस क्रूस को देखते हैं हमें मुक्ति की पुकार मिलती है। हमें समझ में आता है कि केवल प्रभु यीशु ही हमें मुक्ति दे सकता है, केवल प्रभु यीशु ही हमें चंगाई दे सकता है। वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा तारणहारा है। और प्यारे मित्रों, मेरे युवा साथियों, आप याद करें क्रूस पर प्रभु यीशु के बलिदान को याद करें। यह इतना आसान नहीं है। हम आज हमारे जीवन के तौर तरीकों में इतनी आसानी से जीते हैं और इतनी आसानी से पाप में गिरते हैं, लेकिन आप सोचिए, आपका मुक्तिदाता, आपका प्रभु यीशु क्रूस पर आपके लिए मरा, क्रूस पर मेरे लिए मरा, केवल अनंत जीवन देने के लिए, स्वर्ग राज्य देने के लिए, एक उत्तम जीवन जीने के लिए, अपने बेटे बेटियों के रूप में जीवन देने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए और अत्यंत भयानक वेदना उनने अपने जीवन में ग्रहण की। आप सोच लीजिए कि एक शरीर पर, जिंदा शरीर पर कोई कोड़े की प्रहार मारे, अत्यंत वेदना, दुख में, और उस सहरन में, दुख में प्रभु यीशु हर एक कोड़े की प्रहार को सहते गए। किसके लिए? केवल आपके लिए। और मरते समय क्रूस पर उन्हें कीलों पर ठोका गया, उनके हाथों और पैरों को कीलों से ठोका गया। और प्यारे मित्रों सोच लीजिए, ये कीलों की प्रहार के बाद उस क्रूस पर टंगना और उस क्रूस पर श्वास लेना, इतनी मुश्किल, इतने सिरहन, इतने दुख में प्रभु यीशु टंगे रहे। और वह दुख में, वेदना में प्रभु यीशु लोगों का उपहास को भी सुनते थे। सैनिक लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ये तो राजा है, ये अपने को बचाए। लेकिन प्रभु सबको क्षमा देते गए, सबको प्यार करते गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारी मुक्ति के लिए, पापों की मुक्ति के लिए उनका मरना आवश्यक है। आइए प्यारे मित्रों, हम प्रभु के कथनों को समझें, प्रभु के कथनों को मनन चिंतन करें। प्रभु के पहले कथन में हम देखते हैं लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23 प्रसंग 34 में, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अध्याय 23 संख्या 39 में हम देखते हैं क्रूस पर टंगे हुए डाकू का भी मन परिवर्तन हो जाता है, और तत्पश्चात हम देखते हैं शतपति का भी मन परिवर्तन हो जाता है। मतलब हम यदि क्रूस पर प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे हमें भी मुक्ति प्राप्त होगी,
क्योंकि प्रभु ने हम सबकी मुक्ति के लिए बलिदान दिया है। और प्यारे भाई और बहनों, लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 43 में प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, मैं तुमसे कहता हूं तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। मरते वक्त डाकू जो प्रभु के पास था, उसने प्रार्थना की कि मुझे भी अपने स्वर्ग राज्य में याद कर लेना। उस डाकू की इच्छा को जानते हुए प्रभु ने उससे कहा, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। यदि हम प्रभु के पास जाएंगे, पश्चाताप करते हुए अपने पापों के लिए तौबा करेंगे, प्रभु हमें भी अपने राज्य में प्रवेश पाने देंगे। क्योंकि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 20 में वचन कहता है, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बंधाता है। मत्ती 9:13 में वचन कहता है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु हर एक पापी का मन को बदलना चाहते हैं, प्रभु हर एक पापी का उद्धार करना चाहते हैं, प्रभु पापियों को बचाने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। श्रोत ग्रंथ में हम वचन पाते हैं अध्याय 103 पद संख्या 12, जहां वचन में लिखा है, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। और हम जानते हैं जकेउस की कहानी में, जकेउस बहुत पापमय जीवन जी रहा था, लेकिन जकेउस की एक चाहत ने सब कुछ परिवर्तन कर दिया। जकेउस चाहता था कि प्रभु यीशु उनके परिवार में आए, और जब जकेउस ने प्रभु यीशु को बुलाया और प्रभु को अपने घर लेकर गए, सब कुछ परिवर्तन हो गया। प्रभु यीशु की उपस्थिति जकेउस के पूरे मन को बदल देता है। हमारी एक चाहत, हमारी एक नजर प्रभु की ओर सब कुछ बदल देगी। प्रभु हम सबके मुक्ति के लिए आए हैं। प्रभु के तीसरे कथन में यूहन्न का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 में हम पाते हैं, जहां लिखा है, उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। तब से माता मरियम हम सबकी, सारे मानव जाति की माँ है, और तब से हमारा रिश्ता माँ मरियम के साथ, माँ और बेटे का रिश्ता है। और तब से माँ मरियम हमारी, हम सबकी मुक्ति के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करती है। वह जगह जगह दर्शन देती है और हम सबके लिए प्रार्थना करती है, हमारी मुक्ति और उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। हम चौथे कथन में हम देखते हैं यूहन्न रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 में, अंतिम बूंद बहाते हुए, अंतिम कष्ट में सहते हुए प्रभु कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। प्रभु की ये प्यास साधारण प्यास नहीं है, प्रभु की प्यास आत्माओं की प्यास है। प्रभु चाहते हैं कि बहुत सारी आत्माएं बच जाएं, बहुत सारी आत्माएं स्वर्ग राज्य प्राप्त करें, उसके क्रूस मरण की योग्यता द्वारा पूरा संसार बचाया जाए। और हम पाते हैं समारी स्त्री किस प्रकार भटक रही थी, प्रभु उसकी खोज में जाते हैं, वचन बांटते हैं, उससे बातें करते हैं। फलस्वरूप समारी स्त्री का जीवन बदल गया। हम देखते हैं किस प्रकार सुसमाचार में 99 भेड़ों को छोड़ प्रभु एक भेड़ की तलाश में जाते हैं। इसलिए वचन कहता है, प्रभु धर्मियों को नहीं पापियों को बचाने आया है। कितना सुंदर प्रभु का बलिदान, कितना सुंदर यीशु का बलिदान। हम कहीं नहीं पाएंगे कि प्रभु यीशु जैसा मुक्तिदाता पापियों को बचाने आया है, पापियों का उद्धार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। पांचवे कथन में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 46 में कहते हैं, एली एली लामा सबक्तानी, एली एली लामा सबक्तानी, मेरे ईश्वर मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। प्रभु संकट में, प्राण संकट के समय इन वचनों को दोहराते हैं, और श्रोत ग्रंथ की अध्याय 22 पद संख्या 2 के कथनों को दोहराते हुए प्रार्थना करते, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। उस दुख में प्रभु, उस वेदना में प्रभु महसूस करते हैं कि ईश्वर ने भी उन्हें त्याग दिया है। हालांकि वह ईश पुत्र था, ईश्वर का पुत्र था,
उस कष्ट में, उस वेदना में, दुख में प्रभु को याद आता होगा कि किस प्रकार गेत्सेमनी बारी में उसके अपने शिष्य उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं, उनके अपने लोग उनके दुख में उनका साथ नहीं देते हैं। पेत्रुस का अस्वीकरण उन्हें याद आता होगा, किस प्रकार पेत्रुस जो चट्टान कहलाता था वह भी प्रभु को 3 बार अस्वीकार करते हुए प्रभु को दुख देता है और प्रभु का एक भी शिष्य उनके साथ नहीं रहता। प्रभु को अत्यंत दुख होता होगा और यह सब महसूस करते हुए प्रभु ईश्वर से विरह, अलगाव महसूस करते हुए यह वचन कहते हैं, एली एली लामा सबक्तानी। प्यारे मित्रों, प्रभु का बलिदान सचमुच में अद्भुत है। सब कोई उन्हें त्याग दिए लेकिन प्रभु का प्रेम हमारे लिए अपार है। यहाँ पे प्रभु का प्रेम प्रकट होता है, अद्भुत प्रेम प्रकट होता है, पापियों का प्रेम प्रकट होता है, निस्वार्थ प्रेम प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। नबी यशायाह का कथन अध्याय 53:6 में वचन कहता है, हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला। जब हम भी अपने अपने रास्ते में भटक जाते हैं, प्रभु को दुख होता है, प्रभु को तकलीफ होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसके वजह से प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम उनके पास लौट के आए, पश्चाताप करते हुए लौट करके आए। और जैसे क्रूस पर टंगा हुआ डाकू अंतिम क्षण में भी उसका मन बदला, प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसे स्वर्गराज दिया। प्रभु हमें भी अपने गले लगाएंगे, हमारे पापों का लेखा प्रभु नहीं लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और कथन 6 में प्रभु कहते हैं, यूहन रचित सुसमाचार अध्याय 19:30 में, उन्होंने खट्टी अंगूरी चख तो ली और कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है। अर्थात उन्होंने पाप पर, मृत्यु पर, शैतान पर विजय प्राप्त की। हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15:54 में, जहां वचन में लिखा है, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? प्रभु यीशु जब क्रूस पर मारे गए, यह कथन पूरा हुआ, मृत्यु समाप्त हुई, शैतान की हरकतें समाप्त हो गई और विजय प्राप्त हुई। प्रभु यीशु को विजय प्राप्त हुई। और हम वचन में देखते हैं रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:23 में, जहां वचन में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए, ईश्वर की कृपा से सबको मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबका उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे, उस प्रभु पर दावा करेंगे कि प्रभु तूने ही मुझे मुक्ति दिलाई है, उद्धार किया है, तेरे सलीब से, तेरे क्रूस मरण की योग्यता द्वारा हमने पापों से मुक्ति और उद्धार पाई है, हम उसका फल प्राप्त करेंगे। केवल विश्वास के द्वारा हमें फल प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7वें कथन में हम पाते हैं लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 23:46, जहां हम देखते हैं, ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं, और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। यहां पे सब चीज, सर्वोच्च बलिदान, त्याग, निस्वार्थ बलिदान समाप्त हुआ। केवल हमारे पापों की मुक्ति के लिए, हमारे पापों से उद्धार करने के लिए प्रभु का बलिदान संपन्न हुआ। हम सब ने उद्धार पाया और प्रभु यीशु ने ईश्वर का आज्ञा पालन बहुत सुंदर रीति से
संपन्न किया और हम सबके लिए एक सर्वोच्च उदाहरण छोड़ दिया कि किस प्रकार पिता का आज्ञा पालन करना है। आइए प्यारे मित्रों, इस सर्वोच्च बलिदान को हम कभी ना भुलाएं, अपने जीवन को सुधारें, अपने आचरण को सुधारें, प्रभु यीशु के सर्वोच्च बलिदान को अपने जीवन में अंकित करें, प्रभु यीशु को अत्यंत प्यार करें, अपना प्रभु यीशु, अपना मुक्तिदाता, अपना सर्वोच्च प्रिय मित्र अपने जीवन में बनाएं। जब आप इस प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाएंगे, इनके संग संग चलेंगे, प्रभु यीशु आपके जीवन में हर कार्य में आपका उद्धार करेंगे और आप इसके उद्धार को महसूस करेंगे। आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। ये दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। तेरे पुत्र ने हमें सिखाया कि इस तरह प्रार्थना करो, ये स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। तेरे पुत्र ने हमें सिखाया कि हम मांगें, उनके नाम पर मांगें, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। विशेष करके मैं इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके विश्वास को बढ़ाइए, इनको डगमगाने ना दीजिए, इनके विश्वास को बढ़ाइए, भरोसे को बढ़ाइए, ताकि हृदय की गहराई से तुझे पुकार सकें। पूरी बाइबल में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है, तू कहता है कि मुझे पुकारो, संकट में मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। हमें पुकारने के लिए विश्वास दीजिए, भरोसा दीजिए, विश्वास की गहराई दीजिए। सिर झुकाइए मेरे भाई और बहनों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जयसु। धन्य प्रभु का चयन, उसने चुना हमें अपने लिए, उसका कार्य है प्रेम और है ममता हमारे लिए। धन्य प्रभु का चयन, उसने चुना हमें अपने लिए, उसका कार्य है प्रेम और है ममता हमारे लिए। प्रभु है पालक, वो ही जीवन दाता, वो ही सब का गुरुवर, भक्ति और प्रेम का सागर, भजते जाए प्रभु की राह में, भजते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, भजते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। हर्ष मनाए मंदिर जाए, उस हृदय से हम अपनाए, गाए नूतन गान सभी, उसके आगे शीश नवाए, जीवन बिताए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह।